Today we will start with a new chapter. The name of chapter is Change in Profit Sharing Ratio Among Existing Partner. इसका मतलब क्या है कि पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आना। अब क्या आना वो तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिवाइज होना, इसमें पार्टनरशिप फर्म में रिवीजन होना, चेंज आना। तो आपको पता है जब पार्टनरशिप फर्म होती है तो उसके अंदर क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है ना। तो अब क्या करना है, वो पुराना एग्रीमेंट एंड हो गया और नया जो है उसके अंदर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो गई। पार्टनरशिप फॉर्म के में कोई चेंजेस क्या आए हैं, सिर्फ रेशो में चेंज आया है, पार्टनर के रिलेशन में चेंज आ गया है। इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। अब दोबारा बता रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि पार्टनरशिप फॉर्म तो कंटिन्यू रहती है, सिर्फ क्या होता है पार्टनर्स का जो पुराना एग्रीमेंट था वो उसका एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है और जो नया एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब मैंने आगे लिखा अ फॉर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ, कि हमारी जो फॉर्म है उसमें रिवीजन आती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, कब होती है, कुछ पांच केसेस है जो मैंने यहाँ पे बताने हैं। पहला है नंबर वन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। आप देख सकते हैं यही चैप्टर का नाम है, क्या कि हमारे पार्टनर्स के उसमें चेंज आ गया, किसमें चेंज आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो तीन पार्टनर थे ए बी सी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 3:2:1 थी, ठीक है, वो और रेशियो थी, पर अब उन्होंने अपनी रेशियो को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। मान लो ए बी सी ने जो 3:2:1 थी अब उसको रिवाइज करके 1:1:1 हो गए, तो ये कौन सी रेशियो बन गई, न्यू रेशियो बन गई। तो उनके रिलेशन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा ना, किसी को कोई सेक्रीफाइस आएगा और किसी को गेन होगा। वो क्या होगा मैं अभी समझाती हूँ, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ चेंज इन पी एस आर का मतलब क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाना, जिससे क्या होगा पुरानी रेशियो रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। आगे आता है नंबर टू, हमारी फॉर्म जो है रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और पार्टनर्स। कि मान लो तीन पार्टनर थे पहले ए बी सी, ठीक है, डी नया पार्टनर रख लिया तो एक पार्टनर आया, या डी और ई दो पार्टनर आ गए तो पार्टनर में क्या आ गया, चेंज आ गया ना, पहले ए बी सी थे अब क्या हो गया डी और ई आ गए, तो उनमें क्या आ जाएगा, उनकी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या आ जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो गई है, रिवाइज हो गई है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। कि मान लो हमारे पार्टनर पहले ए बी सी थे, उसमें से सी रिटायर हो गया फॉर्म में से, तो क्या हो जाएगी, रेशियो रिवाइज हो जाएगी ना, तो रिटायरमेंट के टाइम भी हमारी फॉर्म क्या हो गई है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई है, समझ आ गया बेटा। उसके बाद आता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ में क्या होता है, किसी पार्टनर की डेथ होगी, मान लो ए बी सी पार्टनर थे जिसमें से एक की डेथ हो गई तो कौन बच गया, बी और सी, तो उनकी रेशियो क्या हो गई, चेंज हो गई ना डेथ की वजह से, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर फाइव, अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म्स। कि कभी कभी क्या होता है, जो दो फॉर्म्स हैं उसको हम अमलगमेट कर देते हैं। अमलगमेट का मतलब है मर्ज कर देना, मिला देना। एक एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो हमारी पहले पार्टनरशिप हम जो है दो पार्टनर थे उसके अंदर ए और बी, उनकी रेशियो 2:1 थी, और एक पार्टनरशिप हम और थी जिसका पार्टनर का नाम था सी और डी, उनकी रेशियो 1:1 थी। तो अब हमारी जो फॉर्म है वो मर्ज कर दिया गया, किसको, ए बी की जो फॉर्म थी उसको सी डी की फॉर्म में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया। मर्ज का मतलब है मिला दिया, तो मिलाने से उनकी रेशो क्या होगी, रिवाइज हो गई, समझ आ गया। फिर अब पार्टनर कौन कौन से हो जाएंगे, ए बी सी डी। तो ये पांच सिचुएशन है, कौन कौन सी, एक तो चेंज इन पी एस आर है, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या आ गया, चेंज आ गया, किसके अंदर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। इसमें पार्टनर ना आ रहा है ना जा रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि पार्टनर में चेंज आया, पार्टनर में कोई चेंज नहीं आया, उनके रिलेशन में चेंज आ गया है, तो उसको कहते हैं, ये चैप्टर हमने पढ़ना है मेन, तो ये बता रही हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ गया, रिवीजन हो गई, तो उनके रिलेशन में भी क्या आ जाएगा बेटा, चेंज आ जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म बंद नहीं होगी।
और ये जो मैंने बताया एडमिशन एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या आया, नया पार्टनर आया, एक या एक से ज्यादा पार्टनर आ गए तो उनके रिलेशन में क्या आ गया बेटा, चेंज आ गया। रिटायरमेंट में क्या आता है, कोई पार्टनर, एक भी पार्टनर जा सकता है, दो भी जा सकते हैं, मान लो पांच पार्टनर है, दो पार्टनर चले जाते हैं बिजनेस में से, तो क्या हो जाएगा, उनकी रेशियो रिवाइज हो जाएगी। डेथ में क्या है, एक या एक से ज्यादा, मान लो पांच छह पार्टनर है तो दो की डेथ हो गई, तो रिलेशन में क्या आ गया बेटा, चेंज आ गया, तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अमलगमेशन में मैंने क्या बोला, जब पार्टनरशिप हम दो थी अलग अलग, पर दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, मर्ज कर दिया, इसको हम अमलगमेशन कहते हैं, फॉर्म को मर्ज कर देना, ठीक है। तो अब हम क्या समझेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब हमारा जो चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो बताऊंगी कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या रीड करना है, ठीक है। तो जो ये चैप्टर है जो नंबर टू पॉइंट बताया मैंने, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसका आप अलग चैप्टर पढ़ोगे। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये भी अलग चैप्टर है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये भी रिटायरमेंट और डेथ इकट्ठा ही एक चैप्टर, वो सीखोगे। और अमलगमेशन जो मैंने ये बताया, ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म मैन ज्वाइन टूगेदर, दैट इज नोन एज अमलगमेशन, ये बेटा आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप हायर स्टडीज पढ़ोगे जैसे बीकॉम करते हो तो ये चैप्टर आएगा, अदरवाइज ये आपके जो चारों पॉइंट्स है ना ये आपके सिलेबस में है, ये हम धीरे धीरे सीखेंगे, अगले चैप्टर में सीखेंगे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा ये वाला चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्लियर। बेटा आप इस चैप्टर के अंदर क्या सीखोगे, एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो हमारे पीएसआर में चेंज आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। नंबर वन, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कि जब भी कोई पार्टनर क्या होता है उनकी रेशियो रिवाइज होती है, तो रेशियो रिवाइज होने से किसी को सैक्रिफाइस होता है और किसी को गेन होता है, वो क्या होता है मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। मीन्स कोई बंदा अब आया नहीं है यहाँ पे, मान लो एडमिशन नहीं हुई, एबीसी थ्री पार्टनर थे, 3:2:1 में बांटते थे पहले ओल्ड रेशियो, अब न्यू रेशियो उनकी 1:1:1 हो गई है, तो रेशियो क्या हो गया, रिवाइज हो गया, तो किसी को क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा और किसी को गेन होगा, तो ये क्या होगा मैं भी समझा रही हूँ। पर हमने इस चैप्टर के अंदर ये वाले पॉइंट सीखने हैं पांच। पहला बता दिया, क्या बताया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हमने निकालनी है, वो कैसे निकालनी है मैं बता रही हूँ। सेकेंड पॉइंट है अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग फॉर गुडविल का मतलब होता है कि जो गुडविल है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस होती है, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, वो क्या है हम धीरे धीरे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स, कि जब हमारी क्या हो रही है, चेंज इन पीएसआर हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है, तो जब रिजर्व्स पड़े होंगे, रिजर्व्स क्या होते हैं, प्रॉफिट का जो पार्ट हम एक साइड पर रख देते हैं, एंड अकुमुलेटेड प्रॉफिट, अकुमुलेटेड का मतलब होता है काफी सालों से हमारे प्रॉफिट इकट्ठे होते जा रहे हैं, कुछ प्रॉफिट ऐसे होते हैं जो हम नहीं बांटते है ना, उसको हम अकुमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं, और कुछ ऐसे प्रॉफिट होते हैं जो हमने पहले से ही रिजर्व में रखे हुए थे, वो अलग जोड़ के रखे हुए थे कि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं, तो क्यों ना हम कुछ पैसा जोड़ के रख लें, उसको हम रिजर्व्स कहते हैं। तो जो हमारे पास पैसे पड़े हैं ना इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स या अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो किस तरह से बांटना है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। नंबर फोर, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि क्या होता है कि जब हमारे पार्टनर की चेंज इन पीएसआर आता है, चेंज इन पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंज आता है ना, तो हम क्या करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यू का मतलब होता है दोबारा से वैल्यू करना, एसेट की वैल्यू लायबिलिटीज की वैल्यू या तो कम होती है या ज्यादा होती है, या हो सकता है उसमें कोई चेंज आए ही ना, वो क्या है वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। नंबर फाइव जो कि लास्ट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि हमारी कैपिटल में चेंज आना, कैपिटल में चेंज कैसे आना, कि एट प्रेजेंट कैपिटल कुछ हो रहा है और न्यू कैपिटल कुछ हो रहा है, तो हम देखेंगे कौन बंदा ब्रिंग करेगा, लाएगा कैपिटल और कौन बंदा विड्रॉ करेगा बिजनेस में, तो उसको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो ये क्या होता है मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी सबसे पहले आपका स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ये सारे पॉइंट्स भी हम करेंगे पूरे चैप्टर के, ये पांच पॉइंट्स है जो हमने स्टेप बाय स्टेप करने हैं बेटा, लेकिन अभी हम पहले शुरू करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बेटा अब हम पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो,
वो पहला पॉइंट मैंने बोला था ना कि हमने क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो सीखनी है पहले पॉइंट के अंदर। पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, ये वो रेशियो है जिसके अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करता है। अब कैसे देखो, फार्मूला पहले देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, कि जो पुराना शेयर था उसमें से हम क्या कर देते हैं, नया माइनस कर देते हैं, तो क्या निकला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जैसे मान लो पार्टनर में चेंज नहीं आया, मान लो दो पार्टनर थे, ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो दो पार्टनर थे ए और बी, ठीक है, उनकी रेशियो पहले 2:1 थी, ये कौन सी रेशियो है बेटा, ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब क्या हुआ, न्यू रेशियो चेंज हो गई, न्यू रेशियो क्या चेंज हुई, उनकी रेशियो बेटा अगर हम कहें 1:1 हो गए। अब 2+1 कितना होता है बेटा, 3। तो अगर हम करें सेक्रीफाइस और गेन, बात करें सेक्रीफाइस और गेन की, अब हम कहें ए, हमें ये देखना किसने सेक्रीफाइस किया किसने गेन किया, ए का ओल्ड शेयर कितना बेटा 2/3, फार्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, न्यू शेयर कितना है 1/2, तो आपको निकालना आता 4-3 1/6, ये क्या निकला सैक्रिफाइस। 2 मिनट दोबारा समझो मैं क्या कह रही हूँ, सैक्रिफाइस और गेन। अब हमें नहीं पता किसका सैक्रिफाइस आएगा, हमें नहीं पता किसका गेन आएगा, वो तो माइनस करके देखेंगे ना, तो सैक्रिफाइस और गेन। अब हमें नहीं पता कि ए सैक्रिफाइस करेगा के बी, तो हम पहले सोल्व करके देखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मैंने माना ए और बी की पहले ओल्ड रेशियो 2:1 थी, अब रेशियो 1:1 है, तो आप देखो जरा ओल्ड रेशियो 2/3 है ना, माइनस न्यू रेशियो कितनी है 1/2, तो हमने किया 3 2 6 2 2 4 -3 1/6। अब यह आया सैक्रिफाइस, बच्चे कहते हैं मैम हमें ना याद नहीं हुआ कि कैसे सैक्रिफाइस आया। अब ऐसे समझो, मानो मेरे पास पहले 4 रुपीज थे, है ना, पहले मुझे 4 रुपीज मिलते थे, अब 3 रुपीज मिलेंगे, तो क्या होगा, 1 रुपये का मुझे क्या करना पड़ा दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो ए के लिए क्या करना है सैक्रिफाइस। अब बात करूं मैं बी की, अगर बी का क्या करेंगे बेटा, ओल्ड कितना है 1/3, न्यू कितना है 1/2, तो क्या निकला 2-3 -1/6, तो ये क्या बेटा गेन। अब बच्चे कहते हैं मैडम क्या हम रट्टा लगाए कि जब हमारा माइनस में आएगा तो वो गेन होगा, नहीं बेटा, आप देखो पहले मुझे 2 रुपए मिलते थे, अब मुझे 3 रुपए मिलेंगे, तो मुझे क्या हो गया 1 रुपए का फायदा हो गया ना, जब फायदा हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं गेन। दोबारा समझो, पहले मेरे को 4 रुपीज मिल रहे थे, अब 3 मिलेंगे, तो 1 रुपये का मैंने क्या किया सैक्रिफाइस किया, ए ने किसके लिए सैक्रिफाइस किया बी के लिए, तो नेचुरली जो ए का सैक्रिफाइस है वो बी का क्या होगा गेन होगा। अब आप देख सकते हैं बी को पहले 2 रुपए मिलते थे, अब 3 मिलते हैं, तो 1 रुपए का फायदा हो गया ना, तो गेन। मतलब कहने का सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कि सैक्रिफाइस क्यों करता है कोई बंदा, अब ऐसे तो कोई भी सैक्रिफाइस ना करे किसी के लिए, है ना, सैक्रिफाइस क्यों किया जाता है एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर के लिए, क्योंकि अगर मान लो जैसे मैं आपके लिए कोई सैक्रिफाइस करती हूँ तो आपका भी दिल करेगा ना मुझे कुछ देने का। सेम ऐसे यहाँ पर ए ने सैक्रिफाइस किया बी के लिए, अब रीजन क्या है, एज तो ए को मैं क्यों सैक्रिफाइस करूँ, इसका रीजन ये बी जो है उसके बदले में ए को अपना शेयर ऑफ गुडविल देगा, क्या देगा ए को, क्योंकि ए ने बी के लिए क्या किया सैक्रिफाइस किया है, तो बी जो है ए को अपनी गुडविल में से कुछ शेयर देगा, इसका रीजन ये है, ठीक है। अब बात आती है गेनिंग रेशियो, गेनिंग हमेशा उल्टा होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, इसका मतलब है कि जब हमारा नया हिस्सा पुराने हिस्से से ज्यादा होता है तो वो क्या निकलता है गेन निकलता है, यानी कि गेनिंग रेशियो इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू शेयर एंड ओल्ड शेयर है, तो ये भी, पर इसमें क्या ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं और इसमें न्यू में से ओल्ड माइनस करते हैं, अब दोनों में फर्क क्या। अब हमें इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए बेटा, इसका सैक्रिफाइस है इसका गेन है, मगर कहने का कि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जो बंदा गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अपनी गुडविल का शेयर देगा, ठीक है। एक बंदे ने गेन किया तो दूसरे ने सैक्रिफाइस किया, अब जरूरी नहीं पार्टनर दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, अभी मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो दो बंदे सैक्रिफाइस करे एक गेन कर रहे, ये ऐसा भी हो सकता है दो गेन कर रहे हो एक सैक्रिफाइस कर रहा,
मीन्स क्या देगा, अब हमें कैसे पता चलेगा हमने ये फार्मूला लगाना या ये, आप हमेशा हेडिंग लिखो सेक्रीफाइस और गेन, अब तो जिसका आंसर पॉजिटिव आ गया ये मैं रट्टा नहीं लगवा रही, वो आपको समझा दिया है, जिसका आंसर पॉजिटिव आया था वो सेक्रीफाइस कर रहा है। रीजन ये है कि पहले उसको जैसे 4 रुपीज मिल रहे थे, अब 3 रुपीज मिले तो 1 रुपये कम मिल रहा है, उसने सेक्रीफाइस किया है। और इसको क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब क्या है, उसका नया शेयर जो है वो क्या है, 3 रुपीज है, ओल्ड कितना है 2 है, 2 - 3 माइनस में आ गया, तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा रही हूँ इस बुक का, ठीक है, ओल्ड की बुक गो। बेटा क्वेश्चन कराने से पहले ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो दो बंदे हैं, दो पर्सन है, ठीक है, वो एप्पल खा रहे हैं, ठीक है, तीसरा आ रहा है पर्सन, तो क्या होगा, तो तीसरे के आने से हो सकता है ए बी जैसे दो पार्टनर है, उन दोनों को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा उसको देना पड़ेगा, या ऐसा हो सकता है दोनों में से एक बंदा दे दे, है ना। मीन्स कोई बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है। गेन कैसे, अब आपको भी गेन किसको हुआ, गेन तो उसी को हुआ जो जिसको मिला है। जैसे ए भी दो बंदे खा रहे थे एप्पल, तो सी क्या हो गया, सी को मिल गया हिस्सा, ठीक है, हो सकता है दोनों से मिला, हो सकता है सिर्फ एक से मिला हो। अगर तो दोनों से मिला तो जो दोनों से मिला होगा उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो सी का शेयर निकल आएगा। अगर एक से मिला तो उसमें से माइनस कर देंगे, किसमें से, जिसमें से मिला है उसमें से माइनस कर देंगे और सी में ऐड हो जाएगा वो हिस्सा। मीन्स कहने का कि जब भी हम क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड शेयर का क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, तो कुछ सेक्रीफाइस निकलता है और कुछ गेन निकलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना सेक्रीफाइस ना गेन, कैसे सेक्रीफाइस और गेन नहीं निकलता, कि अगर आंसर मेरा जीरो ही आ जाए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो नो सेक्रीफाइस नो गेन। तो बेटा आज आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ आपकी डीके गर्ल की बुक का, इसी चैप्टर का फर्स्ट का ए पार्ट करवा रही हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ। एक्स एंड वाई वर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, कि एक्स वाई दो पार्टनर थे जिनकी ओल्ड रेशियो दी हुई है 5:3, और अब आगे से उन्होंने सोचा हमारी रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन PSR, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से किसको सेक्रीफाइस हुआ और किसको गेन हुआ। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, ए भी दो पार्टनर, उनकी ओल्ड रेशियो दी हुई है बेटा 5:3, ठीक है, 5:3 मीन्स 5:3, 5/8 फॉर ए एंड 3/8 फॉर बी, सॉरी पार्टनर का नाम बेटा एक्स वाई है, ठीक है, ओल्ड रेशियो दी हुई है हमें 5:3, न्यू रेशियो कहते हैं आगे से वो सोच रहे हैं हमारी रेशियो 1:1 हो जाए, 1:1 का मतलब हो गया 1/2, 1/2। तो मैंने बोला हमें ये नहीं पता किसने सेक्रीफाइस की, ये नहीं पता किसने गेन किया, तो हम हेडिंग लिख लेते हैं सेक्रीफाइस और गेन, ठीक है। फिर हम बात करें एक्स, एक्स का ओल्ड कितना है 5+3, 5/8, न्यू कितना उसका 1+1, 2, 1/2, तो एलसीएम आ गया 8, 5 - 4 तो 1/8, तो क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया एक्स का, क्लियर हो गया। एक्स ने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। अब बात करें हम वाई की, वाई का कितना है 3/8, ओल्ड कितना है 1/2, एलसीएम निकालना जरा क्या है 8, ठीक है, 3 - 4 आंसर क्या है -1/8, तो इसको हो गया गेन। अब बच्चे कहते हैं मैम कैसे पता चलेगा, मान लो एक्स के पास पहले 5 रुपये थे, पहले ओल्ड शेयर था, अब आगे नया कितना मिला उसको 4, तो 1 रुपये का उसको नुकसान हो गया ना, तो उसने क्या कर दिया सेक्रीफाइस कर दिया। अब बात करें वाई की, तो वाई का पहले 3 रुपये मिलते थे, अब कितने मिलते 4 रुपये, तो 1 रुपये उसको क्या करना पड़ रहा है, 1 रुपये उसको फायदा हो गया ना, तो गेन है। मतलब कि कहने का कह रहा है जो बंदा एक सेक्रीफाइस कर रहा है ना, जितना उसका आंसर आ रहा है दूसरे का भी वही आने वाला है, क्या कि जो उसने सेक्रीफाइस किया वो दूसरे के लिए क्या है, गेन है। अब आपको फर्स्ट बी जो है अपने आप करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर रही हूँ बेटा आपकी बुक का ही। ए बी एंड सी वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। ये 3 पार्टनर है यहाँ पर, पहले मैंने 2 पार्टनर वाला बताया, 3 पार्टनर की रेशियो 4:3:1। The partners agree to share future profit in the ratio of 5:4:3. अब partner क्या चाहते हैं, उनकी ratio revise हो जाए, ratio होगी 5:4:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in ratio. कि ratio में change आने की वजह से कोई भी sacrifice या gain हुआ होगा वो आपने निकालना है।
बेटा इसमें उसमें ये फर्क है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें दो पार्टनर थे, इसमें क्या है तीन पार्टनर है। अब बात करती हूँ कि दो को सेक्रीफाइस एक को गेन भी हो सकता है या दो को गेन एक को सेक्रीफाइस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए बी सी तीन पार्टनर है, इनकी रेशियो जो दी हुई है 4:3:1 है। ये भी सेकेंड ए पार्ट है, आपने बी अपने आप करना है बेटा। ओल्ड रेशियो 4:3:1 दी हुई है, न्यू रेशियो आपको दी हुई है दैट इज 5:4:3। अब हेडिंग डालेंगे सेक्रीफाइस और गेन। अब बात करो ए की, तो ए का ओल्ड कितना 4:3:1 4/8 ठीक है। माइनस न्यू कितना 5:4 9:3 12 5/12 ठीक है। अगर हम 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं तो कि क्या निकलता है, मैंने आपको करके दिखाया था, इस पहले तो 2 मिनट लगा रहे थे आपको, इसलिए कि कुछ बच्चों को नहीं समझ आता इजीली कैसे करना था ऐसे। 24 8 के टेबल पे 24 कहाँ आता है, 3 पे 3 4 12। अब 12 पे टेबल पे 24 कहाँ आता है, 2 पर 2 5 10, तो आंसर आ गया 2/24। अब आप देखिए बेटा इसमें सेक्रीफाइस है या गेन है, खुद सोचो। पहले अगर उसको 12 रुपये मिलते थे, अब उसको 10 रुपये मिलते थे, उसको क्या हो गया सेक्रीफाइस। उसने क्या किया सेक्रीफाइस किया। अब आगे बात करें हम बी की, बी का कितना है 3/8 - 4/12। एलसीएम तो वही रहेगा ना 24। 8 के टेबल पर 24 का आता है 3/3 3 9, 12 के टेबल पर 24 आता है 2/2 4 8 1/24। इसमें भी बेटा क्या कर दिया सेक्रीफाइस। अब हमें कैसे पता चला सेक्रीफाइस हुआ है, क्योंकि पहले 9 रुपीज मिलते थे, अब उसको 8 मिलेंगे, तो 1 रुपीज को क्या करना पड़ा सेक्रीफाइस। अब बात करें हम सी की, सी का ओल्ड है 1/8, न्यू बेटा उसका कितना है 3/12, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा इसका 24 ही आ जाएगा ठीक है। 8 के टेबल पे 3 पर आता है 3 - 12 2 जा 24 2 3 जा 6 -3/24, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा गेन। अब हमें कैसे पता चला गेन है, क्योंकि पहले 3 रुपीज अगर मिलते थे अब 6 मिलेंगे, 3 रुपये फायदा हो गया। अब अल्टीमेटली आपको वैसे समझा दूं कि जो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया ना वो इसका गेन होगा। एक एग्जांपल जैसे 2/24 इसको सेक्रीफाइस हुआ, 1/24 उसको सेक्रीफाइस हुआ, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ना 3/24। आप आंसर चेक करना चाहिए यही आएगा, जो दोनों ने सेक्रीफाइस किया ना उसका गेन है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 का गेन हो 1 का सेक्रीफाइस हो, मीन्स सेक्रीफाइस और गेन में से जो आंसर पॉजिटिव आ गया। रट्टा नहीं है ये, समझा दिया 12 - 10 कि पहले 12 मिलते थे अब 10 रुपये मिलते थे, 2 रुपये कम मिल रहे हैं ना तो सेक्रीफाइस है। इसको पहले क्या मिलता था 3 रुपये मिलते थे, अब 6 मिलेंगे, 3 फायदा हो रहा है ना इसको, तभी उसका गेन। क्लियर हो गया ठीक है। हमने पहला पार्ट कर लिया, मैंने पहला पार्ट क्या कराया था, पहला कराया था हमने कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की। मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट था कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि एग्जिस्टिंग पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या आ गया चेंज आ गया, इट मींस कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और कोई पार्टनर क्या करता है गेन। अब बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, हमारी जो है गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो कैसे होती है ठीक है। बेटा अब आपको मैं करवा रही हूँ अकाउंटिंग फॉर गुडविल। जैसे मैंने आपको बताया चेंज इन पीएसआर के एडजस्टमेंट में हमने 5 पॉइंट्स करने हैं। पहला पॉइंट क्या था, पहला था कैलकुलेशन या डिटरमिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, वो मैंने करा दिया। अब बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर गुडविल की, हमने गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको गुडविल का मतलब पता होना चाहिए। गुडविल इज द गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस, कि किसी बिजनेस की रेपुटेशन को हम गुडविल कहते हैं, उसका अच्छा नाम क्यों, क्योंकि उन्होंने ऑनेस्टी दिखाई है, हार्ड वर्क की है। जैसे मान लो कोई जो है पार्टनरशिप फॉर्म कह लो या कोई बिजनेसमैन जो है क्या करता है, बहुत अच्छा ट्रीट करता है अपने कस्टमर्स को, है ना, और ऑनेस्ट है ठीक है। उसने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया बड़ा हार्ड वर्क करके, और बार बार कस्टमर उसकी दुकान पर जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है, क्योंकि वो अच्छा डील करता है। अब एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो 2 आइसक्रीम वाले हैं,
देखो रेट वही है उसकी आइसक्रीम का, उसकी भी आइसक्रीम का रेट सही है, सेम है, लेकिन फर्क यह है कि वो डील करने का जो तरीका है वो अलग है, तो उसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी जो अच्छा डील कर रहा है। तो रेट वही क्यों ना हो, मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज नोन एज गुडविल, क्यों? ड्यू टू देयर ऑनेस्टी, ड्यू टू देयर हार्ड वर्क। बेटा गुडविल ना दो तरह की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। परचेज का मतलब खुद खरीदी है। अब बच्चे कहते हैं मैम खरीदते भी होते हैं गुडविल को। अब देखो मान लो मैं किसी का बिजनेस 5 लाख वाला 6 लाख में खरीद रही हूँ, 1 लाख में क्यों ज़्यादा दे रही हूँ? क्योंकि जो जिसका मैं बिजनेस खरीद रही हूँ ना उसकी गुडविल ज़्यादा थी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं परचेज गुडविल। दोबारा बता रही हूँ कि जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं ना तो ज़्यादा रेट पर अगर खरीदे हैं तो हमने उसकी गुडविल को परचेज किया है, रेपुटेशन है, उनका नाम लिया है हमने, इसलिए उसको हम परचेज गुडविल कहते हैं। सेकेंड है सेल्फ जनरेटेड, कि हमने किसी से कुछ खरीदा नहीं, खुद कमाई है अपनी ऑनेस्टी से, अपने हार्डवर्क से, उसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। बिल्कुल जीरो से शुरू किया हमने अपना बिजनेस, अपने आप एस्टेब्लिश किया, अपनी मेहनत की, अपना जो है पूरी ऑनेस्टी से काम किया, ईमानदारी से काम किया, उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। तो गुडविल क्या है बेटा? इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं फील कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं इनटेंजिबल एसेट। ये तो बेटा थ्योरी पार्ट था। अब आती है बात नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमारी गुडविल की वैल्यूएशन कब कब की जाती है? सबसे पहले ये चैप्टर का नाम देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि जब हमारे पार्टनरशिप जो है फॉर्म में क्या आता है, रिवाइज होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, क्या रिवाइज हो रहा है उनकी PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, उस टाइम हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। सेकेंड है कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो रहा है, ठीक है, उस टाइम गुडविल, वो आगे चैप्टर बताऊंगी। तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तब हमारे को गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है, वो भी जब चैप्टर कराऊंगी तब बताऊंगी। फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो हमारी जो है गुडविल की फिर क्या करनी पड़ती है, वैल्यूएशन करनी पड़ती है, वो भी बाद में बताऊंगी। अगला है अगर हमारा बिजनेस डिजोल्व हो जाए, पार्टनरशिप फॉर्म ही बंद हो जाए, तो गुडविल जो है उसको, जब बिजनेस को हम बेचते हैं, सॉरी जब हम बिजनेस को बेचते हैं तो हमारी गुडविल की क्या होती है, वैल्यूएशन होती है, और जब हमारा बिजनेस क्या होता है अमलगमेट होता है। दोबारा बता रही हूँ मैंने क्या बोला, देखा इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन किस किस टाइम होती है। दोबारा सुनो बेटा, एक तो गुडविल की वैल्यूएशन उस टाइम करनी पड़ती है जब हमारी PSR में चेंज आता है, जो कि इस चैप्टर में आप सीखोगे। दूसरा बोला जब हमारा नया पार्टनर आ जाता है तो चेंज आता है। तीसरा बोला जब हमारा पार्टनर रिटायर हो जाता है। चौथा बोला जब पार्टनर की डेथ हो जाती है। पांचवा है जब हमारा फर्म जो है वो सोल्ड होगी, सोल्ड मतलब बिक गई, फर्म बंद होगी तभी बिकेगी ना। अगला आता है जब फर्म जो है अमलगमेट हो गई, अमलगमेट का मतलब होता है मर्ज हो जाना, मिल जाना, तो गुडविल की रिलेशन होती है। ये है इसकी गुडविल की क्या है नीड है। ये जितना भी मैंने पॉइंट्स कराए ये सारे के सारे गुडविल की क्या है, वो है थ्योरी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि हमारी जो गुडविल है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा मन मा का क्वेश्चन आ जाता है वट इज द नीड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की, गुडविल की कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत पड़ती है, तो आप ये लिखोगे किस टाइम जरूरत पड़ती है। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होती है तब। सेकेंड मैंने बोला था अभी एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की जब नया पार्टनर आता है। थर्ड बोला मैंने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तब, और डेथ ऑफ ए पार्टनर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, और फिफ्थ पॉइंट है व्हेन देयर इज अ सेल ऑफ बिजनेस कि जब बिजनेस क्या हो जाता है बिक जाता है, ठीक है। और सिक्स पॉइंट आप लिखोगे अमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स, टू और मोर फर्म्स, कि जब हमारी दो या दो से ज्यादा फर्म्स होती है अमलगमेट हो जाती है। मीन्स गुडविल की रिलेशन जो है ये पांच या छह जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उस टाइम पड़ती है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये हमारी गुडविल को कैलकुलेट करने के, वैल्यू करने के तीन मेथड्स हैं, ये जरूर आता है पेपर में 3 या 4 मार्क्स में। पहला पॉइंट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा हम तीनों ही मेथड्स को अगली वीडियोस में सीखेंगे, अभी आप कितना ही सीखिए। बेटा आज आपने क्या सीखा, सबसे पहले चेंज इन PSR
जो कि पहले मैंने बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ पॉइंट्स बताए थे मैंने, पांच पॉइंट्स बताए थे और पांच में से हमने एक पॉइंट ये बोला था चेंज इन पीएसआर। फिर हमने इसके अंदर चेंज इन पीएसआर के अंदर क्या पढ़ा था कि हमारे जो एडजस्टमेंट्स हैं कौन कौन सी होंगी, वो मैंने आपको एडजस्टमेंट्स में कितने पॉइंट कराए, सिर्फ अभी दो ही कराए हैं। एक तो मैंने सैक्रिफाइस की रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, मैंने बताया किस तरह करते हैं। फिर सेकंड मैंने बताया गुडविल क्या होती है, उसकी नीड कब पड़ती है, गुडविल कितनी टाइप्स की क्लासिफिकेशन कराई गुडविल की। अब मैंने बताया आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कितने मेथड्स हैं और ये मेथड जो हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।